जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फाइव दैट इज़ सर्कुलर मोशन इससे पहले आपने जो डिस्कस की है मोशन दैट वाज अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन और जो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन होती है उसे हम लीनियर मोशन का नाम देते हैं या फिर रेक्टीलियर मोशन कहते हैं या इसके अलावा आप प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करता है तो यहाँ पे अब हमने लेनी है सर्कुलर मोशन यानी जिसमें बॉडी मूव करेगा अलोंग सर्कुलर पाथ <coughs> सर्कुलर मोशन क्या है वैन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ देन इट्स मोशन इज़ कॉल्ड सर्कुलर मोशन एंगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर मोशन भी कहते हैं और रोटेशनल मोशन भी कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोशन ऑफ मून एंड अर्थ जैसे हमारे अर्थ और मून दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन तो इसकी मोशन भी क्या कहलाती है सर्कुलर मोशन और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गर्द रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में तो इनकी मोशन भी कहलाती है सर्कुलर मोशन आपने पहले लीनियर मोशन में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट यानी बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के दरम्यान जो डिस्टेंस वो कवर करता है उस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग उसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं अब बॉडी किस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा अलॉन्ग सर्कुलर पाथ जैसे ये एक फिगर हमने यहाँ पे ली है इस फिगर में देखें कि अगर एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन हो ओ एक्स हमने एक रॉड ले लिया उस रॉड के एक साइड पे हमने एक मैस अटैच कर दिया है और दूसरी साइड को हमने फिक्स कर दिया है पॉइंट ओ पे यानी ओ पॉइंट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन जहाँ पे हमने उस रॉड को फिक्स किया है जिसके अबाउट रॉड रोटेट कर सकता है तो इनिशियल पोजीशन है उसकी ओ एक्स यहाँ से वो मूव करना शुरू करेगा आफ्टर सम टाइम वो पी वन पॉइंट पे आ गया तो देखिए पी वन पॉइंट पे जब बॉडी आ रहा है तो इसने सर्टन एंगल जो है वो सेंटर के साथ बनाया है दैट इज़ थीटा इस फिगर में हमने उसे थीटा से शो किया है कुछ टाइम और गुजरेगा डेल्टा टी टाइम तो ये फ़र्दर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अगर डेल्टा स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है अगर टाइम इंटरवल स्मॉल होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा तो हम ये कहते हैं कि डेल्टा टी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा थीटा तो यानी जब भी बॉडी आगे से आगे मूव करता जाएगा इसी तरह लॉन्ग सर्कुलर पाथ तो ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी ये जो एंगल बन रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इसे हम नाम देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट को जैसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं या एस से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी इफ थीटा इज़ वेरी स्मॉल अगर देखें कि इस सर्कल का हम इतना छोटा सा पोर्शन लें बहुत थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लें यानी कि एक्स पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर ही अभी बॉडी मूव किया हो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जैसे आप कह लें कि सिंपली वन डिग्री हो तो इतना जो छोटा सा डिस्टेंस होगा सर्कल का इतना छोटा पार्ट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन की तरह हमें नज़र आएगा तो जब भी हम वेक्टर लेते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है इसीलिए अगर तो थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगा अदरवाइज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है जैसे एंगल बहुत बड़ा अगर हो गया है तो फिर वो कर्व पाथ होगा तो फिर हम लेंगे इसको स्केलर क्वांटिटी अगर थीटा स्मॉल होगा तो फिर हम इसे लेंगे एज वेक्टर क्वांटिटी और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड तो एंगल की जितनी वैल्यू होगी वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड रूल से अब हम यहाँ पे देखते हैं राइट हैंड रूल हमने कैसे अप्लाई करना है ग्रेस एक्सीज ऑफ़ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अब आपने फिंगर्स को किधर कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है और आपने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को इमेजिन करना है रॉड की फॉर्म में और उसको कि हम उसको पकड़ रहे हैं और उसके गिर्द फिंगर्स को कर्ल करना है तो जो थम है वो इलेक्टेड थम इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थम किधर है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक है तो यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी और ऐसे यूनिट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का दैट इज़ इस रेडियन इसके अलावा जो दूसरे यूनिट्स हैं वो हैं डिग्री एंड रेवोल्यूशन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती चैप्टर वन में आप कर चुके होंगे डायमेंशनस फाइंड करने का मेथड ये डायमेंशनस हम कैसे फाइंड करते हैं कि किसी भी यूनिट को हम बेस यूनिट में चेंज करते हैं बेस क्वांटिटी सेवन है आपको पता है लेंथ मैच टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट यानी हमने जितनी भी गिवन हमें यूनिट्स होंगे हमने उन्हें बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होता है जहाँ से हम डायमेंशनस लेते हैं लेकिन जो दो यूनिट्स हैं रेडियन और स्टी रेडियन ये ना तो बेस यूनिट्स में आते हैं और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स में आते हैं डिराइव्ड यूनिट्स कौन से हैं जो बेस यूनिट से डिराइव करते हैं हम तो इसलिए इन दो को सिर्फ ये जो दो है रेडियन एंड रेडियन इन्हें हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स का तो ऐसे यूनिट्स जिनको हम बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनकी कोई डायमेंशनस नहीं होती रेडियन चूँकि सप्लीमेंट्री यूनिट है ये बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी कोई डायमेंशनस नहीं होती अब हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे पहले रेडियन को रेडियन क्या है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है <coughs> देखिए अगर एक बॉडी पॉइंट पी से पी वन मूव करके गया है तो ये जो कर्व्ड पाथ है इसे हम नाम देते हैं आर्क लेंथ का यानी जो एक आर्क के अलोंग जो पाथ कवर किया है आर्क लेंथ इफ आर्क लेंथ एस और रेडियस ऑफ द सर्कल आर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर हम कहेंगे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दैट इज वन रेडियन ठीक है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी वन रेडियन इफ़ आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर ये आर्क लेंथ एस और आर ये दोनों इक्वल हो जाए तो फिर जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो होगा वन रेडियन <coughs> इसके अलावा दूसरा यूनिट हमने कहा था कि है डिग्री तो अगर हम एक पूरे सर्कल को थ्री सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा जो सेंटर पर बनेगा सर्कुलर पाथ के दैट इज़ नोन एज वन डिग्री तो क्योंकि पूरे टोटल सर्कल में टोटल एंगल होता है थ्री सिक्सटी डिग्री अगर उसको थ्री सिक्सटी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट होगा दैट विल बी वन डिग्री नेक्स्ट है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन क्या है अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू वन रेवोल्यूशन यानी जब एक पूरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है तो उसको हम नाम देते हैं वन रेवोल्यूशन का और एक रेवोल्यूशन में होते हैं थ्री सिक्सटी डिग्रीज ये थी यूनिट्स ये डेफिनेशनस रेडियन की डिग्री और रेवोल्यूशन की ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं अभी तक ये जितनी भी हमने डेफिनेशंस की हैं ये शॉर्ट में ही आती हैं नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिसप्लेसमेंट लेट एस इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल थीटा इज एंगर डिसमेंट एट देंटर ऑफ द सर्कल देन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिसप्लेसमेंट इज गिवन बाई दिस फार्मूला थीटा इज इक्ल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कल और ये थीटा की सूरत में ये फार्मूला वैलिड होगा अगर हम थीटा ले रहे हों रेडियंस में आर्क लेंथ को एस से रिप्रजेंट करते हैं और रेडियस को आर से थीटा विल भी इक्वल टू एस ओवर आर एंड वी कैन राइट इट एज एस इज़ इक्वल टू आर थीटा तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिसप्लेसमेंट थीटा है एंगुलर डिसप्लेसमेंट और एस है लीनियर डिसप्लेसमेंट अब हम इसी तरह रिलेशन आगे निकालेंगे बिटवीन रेडियन एंड डिग्री ये भी शॉर्ट में आ जाता है एस इज इक्वल टू आर थीटा अभी हमने जो रिलेशन डिराइव किया है लेकिन जब एक चक्कर पूरा हो जाता है एक सर्कल में तो जो टोटल आर्क लेंथ होती है वो हो जाती है इक्वल टू तो सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल होता है टू पाई आर के तो हम कह सकते हैं एस इक्वल हो गया टू पाई आर सो थीटा इज इक्वल टू तो एस ओवर आर अब हम एस की वैल्यू पुट कर सकते हैं टू पाई आर और इसको डिवाइड कर देंगे आर पे आर आर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टू पाई रेडियन यानी कि एक पूरे रेवोल्यूशन में एक पूरे चक्कर में जो रेडियन में अगर हम एंगल लें तो वो कितना होगा टू पाई रेडियन वन रेवोल्यूशन में टू पाई रेडियन है और थ्री सिक्सटी डिग्रीज़ है तो यहाँ से अगर हमने वन रेडियन निकालना होगा तो ये होगा थ्री सिक्सटी डिग्री डिवाइडेड बाय टू पाई तो वन रेडियन विल बी इक्वल टू फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री ये एम सी क्यूज़ में भी आ जाता है वन रेडियन फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री डिग्री के इक्वल होता है नेक्स्ट अब हम डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी पहले हम लीनियर वेलोसिटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेलोसिटी क्या होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो यह जस्ट यहाँ पे हमने वर्ड एंगुलर का इजाफ़ा करना है बाकी सारी डेफिनेशन वही रहेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिसप्लेसमेंट इज़ कॉल्ड एंगुलर विलासटी एंगुलर विलासटी को हम ओमेगा से रिप्रजेंट करते हैं ये जो स्मॉल डब्ल्यू टाइप सिम्बल है इसे हम ओमेगा प्रोनाउंस करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी सो ऐसे यूनिट देखिए रेडियन है यूनिट थीटा का टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड तो एंगुलर विलासटी का यूनिट क्या होगा रेडियन पर सेकेंड और दूसरे यूनिट्स क्या होंगे डिग्री पर सेकेंड एंड रेवोल्यूशन पर सेकेंड अब डायमेंशंस में देखें थीटा की तो कोई डायमेंशंस नहीं है क्योंकि रेडियन को हम बेस यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो लेकिन टाइम की डायमेंशनस हैं टाइम बेस यूनिट है और टाइम के लिए डायमेंशनस में हम लिखते हैं कैपिटल टी पावर इसकी एज इट इस इज़ आएगी माइनस वन सो डायमेंशनस ऑफ एंगुलर विलॉसटी आर टी रेज टू पावर माइनस वन एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये भी हम उसी तरह से डिफाइन करेंगे जैसे लीनियर वेलोसिटी में कर चुके हैं द रेशो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज विल बी इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या फिर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी वैन डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो यानी कि आपने डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी की वैल्यू जो स्मॉल टाइम इंटरवल में जहाँ टाइम टी अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस एंगुलर विलासटी यानी जितनी डेफिनेशनस आपने की हैं लीनियर मोशन में उन सब को अब हमने एंगुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया <coughs> जी और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हम राइट हैंड रूल से ही फाइंड करेंगे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही एंगुलर वेलोसिटी की होगी यानी कि वो ये भी डायरेक्शन क्या होगी इसकी भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन